अब हम वाघा बॉर्डर जा रहे हैं, मेरे मुंह से बार बार वाघा बॉर्डर निकल जाता है, बट मुकुल के पापा बार बार बोल रहे हैं कि वाघा बॉर्डर नहीं होता, वाघा बॉर्डर होता है। तो हम वाघा बॉर्डर जा रहे हैं और थोड़ा सा टाइम से पहले ही जाएंगे, क्योंकि फिर वहां भीड़ ज्यादा हो जाती है और फिर सीट बहुत पीछे मिलती है, तो मुकुल को अच्छे से दिखे इसीलिए हम पहले जाके आगे सीट बुक करने की सोच रहे हैं, अगर एंट्री हुई तो जल्दी। अगर जल्दी एंट्री हुई तो फिर जल्दी सीट मिलेगी। और इतनी देर से मुकुल मेरे कान खा रहा है, मेरे पीछे बैठ के बिल्कुल मेरी सीट के पास, और इसीलिए मैं वीडियो ऑन कर दूं, और वीडियो ऑन करके इसको मैं कह रही थी कि अब तू बना ले व्लॉग, क्योंकि फिर तू चुप रहेगा। और रास्ते में हमारा चालान भी कट गया। रास्ते में नहीं, बिल्कुल निकले थे होटल से, तभी चालान काट दिया। हाँ, मुकुल बताएगा हमारा चालान क्यों काट दिया, खामखा बेवजह कैसे काट दिया, हमारी गलती भी नहीं थी। ये गलती थी कि मम्मा ने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी। सीट बेल्ट? अरे सीट बेल्ट। अच्छा सीट बेल्ट, पर बैठे हुए कितना टाइम हुआ था हमें? बिल्कुल एक मिनट ही हुई थी हमें बैठे हुए। तो मैं लगाने वाली थी थोड़ी देर में सीट बेल्ट, मतलब ढंग से हम बैठे भी नहीं थे, बस ये देख के कि हरियाणा की गाड़ी है, नंबर देख के, और हमारा चालान काट दिया 1000 रुपए का, तो वो भी नुकसान हो गया। अब पता नहीं, मुकुल के पापा पहले ही मेरे को कुछ शॉपिंग नहीं करवा रहे थे, अब वो बिल्कुल भी नहीं करवाएंगे, 1000 का चालान कट के नुकसान हो गया। और पापा जी शॉपिंग करवानी है, बीच में अमरूद लेने लग गए थे। तो मैं ये कह रही थी कि और गाड़ियां जा रही थी, सीट बेल्ट भी नहीं उन्होंने लगा रखी थी, फिर भी उन्होंने उनके किसी का भी गाड़ी रोकी भी नहीं किसी की, चलान तो बहुत दूर की बात है। और फिर एक्सक्यूज क्या दिया कि हमने भी देखा था उन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई थी, और इन्होंने तो सीट बेल्ट लगा रखी थी, मैंने नहीं लगा रखी थी कंडक्टर, और मैं भी लगाती, एक ही मिनट हुई थी हमें होटल से निकल के निकले हुए, मतलब गाड़ी में बैठे हुए, तो ये था थोड़ा सा कंफर्ट होके कि मैं फिर लगाऊंगी। और उन्होंने एक्सक्यूज क्या दिया उन लोगों की कि उन्होंने ये ऐसे नीचे ये वाली बेल्ट लगा रखी थी, हमने देखा है, तो उन्होंने ये एक्सक्यूज दिया। तो ये रिक्वेस्ट है कि अदर स्टेट का बंदा देख के तो प्लीज ऐसे मत करो, अगर वो घूमने फिरने आए हैं तो उन लोगों को आप प्यार दो, तो उनके साथ ऐसे मत करो, फोन कर देते आप। हम यहाँ पहुंच चुके हैं, वो गाड़ी को पार्क करने गए हुए हैं उधर, और ये मुकुल ने कैप डाल ली अपनी, और मेरे वाली इसने उठा रखी है हाथ में। ये जिद करने लग गया कि कैप लेनी है, और मम्मा आप भी ले लो, तो फिर मैंने सोचा चलो ले लेते हैं। यहाँ से पैदल जाना है, तो यहाँ वेट कर लेते हैं उनका। ये मुकुल ने फ्लैग बनवा लिया हुआ ये फेस पे दोनों तरफ, और ये पॉपकॉर्न ले रहे हैं। चलो हम पहुँच चुके हैं, यहाँ गेट खुल चुका है, जल्दी चलो फिर जगह नहीं मिलेगी। अंदर एंट्री हो चुकी है, और जो स्वर्ण जयंती द्वार है सामने, और
वो जा चुके हैं पहले, मुकुल और उसके पापा पहले जा चुके हैं। लेडीज की लाइन थोड़ी और ज्यादा लंबी थी तो मैं लाइन में थी, अभी पहुंच रही हूँ, बात हुई थी उनसे। छतरी ले रखी है क्योंकि छतरी के बिना तो बहुत ही मुश्किल हो जाता। ये देखिए आप देख सकते हो मैं पहुंच चुकी हूँ गेट पे। को यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि लड़कियाँ फ्लैग लेके दौड़ रही हैं और मैं भी दौड़ कर गई थी फ्लैग लेकर ऐसे, और मुझे भी मतलब ये था कि मैं वहाँ पर झंडा फहराऊँ और एक अलग ही फीलिंग आती है वहाँ पर ऐसे, मतलब कि आप अपने देश का झंडा फहरा रहे हो और अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो बहुत सारी लेडीज़ वहाँ पर गई हुई थी और फिर उसके बाद हमें डांस करने का मौका भी दिया गया, जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि कितनी सारी लेडीज़ डांस कर रही हैं और हमने खूब मस्ती करी, खूब झूमे, देशभक्ति के गीत थे सभी और बहुत ही मज़ा आया। और आप लोगों को शायद इतनी भीड़ में मैं पहचान में भी नहीं आ रही होंगी, मैंने कैप पहन रखी है। अगर आप लोगों को मैं पहचान में आ रही हूँ मैं कहाँ पर हूँ तो ज़रूर कमेंट करना किस किस ने पहचाना। और ये सब कुछ अपने देश में ही था, मतलब कि पाकिस्तान वाली साइड ऐसा कुछ नहीं था कि लेडीज़ को ऐसा मौका दिया जा रहा हो वो झंडा फहराएं या वो डांस करें, बल्कि वहाँ पर पब्लिक भी बहुत कम थी और अपनी पब्लिक बहुत ज़्यादा थी। पता नहीं, वो हमारे देश में देशभक्ति बहुत है लोगों में। और उसके बाद परेड स्टार्ट हो गई थी, जैसा कि अब आप लोग देख ही सकते हैं मुकुल भी फ्लैग को लहरा रहा है और यहाँ पर स्कूल के बच्चे आए हुए थे कुछ, और वो भी पूरे मस्ती में डांस कर रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था, एक बहुत अच्छा माहौल था। फिर उसके बाद मैं वहाँ से वापस आ गई थी की स्थापना और भारतीय सीमा को एक ऐसा प्रहरी प्राप्त हुआ। उसके बाद फिर हमने खूब नारे लगाए तो अब परेड शुरू हो चुकी है और यहाँ पर सभी लोग वोटिंग कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, आप लोग देख ही सकते हो। तो आप अब एंजॉय करो परेड को।
परेड की समाप्ति के टाइम दोनों देश अपने अपने झंडे को सम्मान पूर्वक उतारते हैं। अब हम बाहर आ चुके हैं, बहुत ज़ोर से भूख लगी हुई थी तो सोचा कुछ खा लेते हैं। यहाँ पर बाहर झूले वगैरह लगा रखे हैं, बच्चे इंजॉय कर रहे थे, खेल रहे थे, और हमने सोचा पहले हम खा लेते हैं। मुकुल भी कह रहा था कि मुझे भी झूले झूलने हैं, तो फिर ये लेकर आए थे कुछ खाने का, चाट सा था वहाँ पर, भेल टाइप। फिर मैं यहाँ रील्स वगैरह बनाने के लिए आ गई, बहुत सुंदर सा झूला था। अब हमने अमृतसर से वापसी कर दी है और कहाँ जा रहे हैं अब हम, तो वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता लग जाएगा। बोल रहे थे ना कि व्लॉग बनाओ मैम, व्लॉग बनाओ, तो बैक टू बैक आपको व्लॉग मिल रहे हैं। तो लाइक और शेयर और कमेंट भी जरूर कर दिया करो, और जो नए देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लिया करो।